रोयल गजरा से रिक्वेस्ट है कि वो अपने दोस्तों से मिलकर जाए। यश इलेवन के ट्वेल्थ मैन विमल आ चुके हैं, हरिओम इलेवन के ट्वेल्थ मैन अभी भी नहीं आए हैं। हरिओम इलेवन के बैट्समैन का नाम यश है, यश का आगे हरिओम का नहीं आया। हाँ यश, यश हरिओम इलेवन, हरिओम इलेवन आज बारहवां प्लेयर ना आयो यार स्टेज पे, कितनी बार सोन हुआ के यार। रोहिल गजरा, रोहिल गजरा स्टेज पे आए। मैं सुबह कौन ही दौड़े तो सालों साल चले गए लेकिन ये प्लेयर नहीं बदला। वाइड पे वाइड डाला उन्होंने लेकिन बहाने देना नहीं भूले। बहाने साथी कमेंटेटर स्मिथ से कहूंगा, यहाँ पर मैच की शुरुआत हो गई है। बॉलर नेम दिनेश, बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया बॉलिंग चाचू द्वारा। पहली गेंद डॉट बॉल। बल्लेबाज का नाम क्या है? बैट्समैन ये विमल नानो का है, बैट्समैन जो दर्शन और दर्शन और कौन दर्शन और राज आए हैं हरिओम इलेवन की ओर से बैटिंग के लिए। फुल टॉस गेंद, लेग साइड में खेली आए, फील्डर मौजूद वहां पर बाउंड्री लाइन पर। तीसरी गेंद पे खाता खोला हरिओम इलेवन ने, मात्र एक रन मिला है टीम का केवल एक रन से। ये दोनों टीम के बीच एक कड़ा मुकाबला यहां पर दर्शकों को देखने मिलेगा। हल्के हाथों से खेल लिया, प्लेट कर दिया और यहां पर मैदान पर आ गए हमारे फार्म सोसाइटी के स्टार खिलाड़ी जिगर अबोटी जो कि लेग अंपायर है। लेग साइड में इस गेंद को खेल लिया है, फील्डर मौजूद। थोड़ी सी मिसफील्ड लेकिन बल्लेबाज एक रन पूरा करने में कामयाब और इसी के साथ स्कोर हो चुका है दो रन। चुस्त लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने के लिए। पहली ओवर की समाप्ति पावर प्ले थी ये और इस पहली ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर हुआ है केवल दो रन। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी दिनेश उर्फ चाचू की द्वारा की गई यहाँ पे यश इलेवन की ओर से। केवल दो ही रन आए इस ओवर में, काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो, दूसरी ओवर करने के लिए आए हैं गेंदबाज जैनेश उर्फ गुरु। इसके पहले वाली मैच में इन्होंने केवल दो ही रन दिए थे और दो विकेट लिए थे, क्या फिर से देखने मिलेगा? क्या कहते हो जिग्नेश जी? उनको यहाँ पर कहा जाता है गुरु, मतलब कि अपनी टीम के अंदर बाकी जितने भी गेंदबाज है या ओपोजिशन में जितने भी क्रिकेट के खेलने वाले जितने भी बॉलर से उनको वो सिखाएंगे कि गेंदबाजी कैसे की जाती है। जी जरूर, और ये भानुशाली यंग बच्चों को बहुत ही अच्छा सिखाते भी है क्रिकेट में और अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, बाहर लेके जाते हैं खेलने के लिए। और ये पहली गेंद और केवल आया एक रन। बल्लेबाज भी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए हल्के हाथों से लेग साइड में खेल लिया इस गेंद को, मात्र एक रन के लिए।
स्ट्राइक पे दर्शन है ना, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए अभी स्ट्राइक पर आए हैं विस्फोटक बल्लेबाज दर्शन, अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है। पिछले मैच में उन्होंने 19 रन मारे थे, इस मैच में देखना होगा कितने रन लगा पाएंगे। और ये बड़ा शॉट, और ये लगा दर्शन के बल्ले से सिक्सर, बहुत ही बड़ा शॉट था ये, जितनी अच्छी गेंदबाजी उतना ही अच्छा शॉट। यही तो रोमांच होता है एक अच्छे गेंदबाज के सामने, अच्छे बल्लेबाज के द्वारा इस प्रकार से बड़ा शॉट खेलना, 6 रन में तब्दील करना, ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है। फिर से एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, वहां पर विकेटकीपर विजू ने स्टंपिंग की अपील की, परंतु हमारे लेग अंपायर जिगर अबोटी ने नॉट आउट दिया है। स्कोर अभी तक हुआ है 10 रन। वाइड गेंद थी, ये एक्स्ट्रा रन मिला है यहां पर। ऑफसाइड में इस गेंद को कवर की दिशा में खेला है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहां पे, 2 रन चुरा लिए हैं यहां पे। बल्लेबाज ने दौड़कर 2 रन पूरे किए, अच्छा शॉट लगाया था ऑफसाइड में। बड़ा शॉट खेलने का फिर से प्रयास, और ये बहुत ही बढ़िया कैच, जयू ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा है यहां पर, बड़ी विकेट। दर्शन आउट होते हुए, दर्शन और एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन अपना विकेट गवा दिया, गेंद हवा में थी बाउंड्री लाइन की दिशा में और वहां पर जो फील्डर मौजूद थे उन्होंने अच्छा कैच लपक लिया दौड़कर, और इस तरह से दर्शन अपना विकेट गवाते हुए वापस जा रहे हैं पेविलियन की तरफ। स्कोर हुआ है इसके साथ 12 रन। नेक्स्ट बैट्समैन का नाम, जो भी टीम वो मुकाबले में आगे जाएगी, जो हारेगी टूर्नामेंट से बाहर होगी। नए बल्लेबाज आ चुके हैं हितेश, गुरु ने कर दी है विकेट लेना शुरू, क्या एक और विकेट लेंगे गुरु, क्या कहते हो जिग्नेश जी? जी हाँ। कैच का कॉल और बहुत ही बढ़िया कैच, ले लिए एक और विकेट, अच्छी गेंदबाजी, बेदाड़े बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ते हुए यहाँ पे, हरिओम 11 की दूसरी विकेट गिरती हुई लगातार, आखिरी गेंद बची है और हैट्रिक बॉल फिर से एक और बार आए हैं गुरु हैट्रिक पे, क्या इस बार वो ले पाएंगे हैट्रिक, देखना होगा। गुरु ने अपनी गेंदबाजी में बल्लेबाजों को गुरु घंटाल बना दिया है। जी जरूर। और सामने वाली टीम का बंटा धार करते हुए, भाई बैट्समैन कौन है भाई? हरिओम 11 बैट्समैन, नए बल्लेबाज आए हैं क्रीज पर हरिओम 11 की ओर से, सुनील आए हैं, क्या ये हैट्रिक होगी? आज के दिन का ये चौथा मौका है, चौथे गेंदबाज है जिनको ये हैट्रिक का मौका मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई ले नहीं पाया है हैट्रिक, देखना होगा गुरु क्या कर पाते हैं, ये हैट्रिक गेंद पर हैट्रिक लेते हैं या नहीं। और आउट, हैट्रिक पूरी होते हुए इस भानु ज्योत कप की पहली हैट्रिक, क्या बात है, पहली हैट्रिक भानु ज्योत कप की पहली हैट्रिक लिए गुरु ने, बहुत ही बढ़िया। मैंने पहले ही कहा था आपको, ये जो गुरु गेंदबाज है ये अपनी गेंदबाजी में विकेट लेते हुए बल्लेबाज को गुरु घंटाल बना दिया है। जी जरूर जरूर। बढ़िया गेंदबाजी, एक सिक्स जरूर आया था उनकी ओवर में। अगले नए बैट्समैन आए हैं हरिओम 11 की ओर से पीयूष।
काफी अच्छी गेंदबाजी, पहली मैच में 2 विकेट, दूसरी मैच में 3 विकेट, हैट्रिक लेकर गुरु ने 5 विकेट ले लिए 2 मैचों में। कर्मा चैंपियंस लीग के मैन ऑफ द सीरीज भी थे ये, एक्टिवा जीती थी इन्होंने। काफी चालाक खिलाड़ी, ऑलराउंडर यश 11 के जैनिश भानुशाली उर्फ गुरु। तीसरी ओवर की पहली गेंद बल्लेबाज के लिए अर्जुन, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद अर्जुन द्वारा। मात्र 12 रन हुए, तीसरी ओवर का खेल चल रहा है, सिर्फ 12 रन हुए हैं। बैट्समैन पीयूष है। जितनी बेहतरीन क्रिकेट हरिओम की टीम ने जीबी बॉयज के सामने खेली थी, उस प्रकार से इस मैच में काफी पीछे चल रहे हैं हरिओम की टीम। अभी तक मात्र 12 रन बनाए हैं। फार्म स्पोर्ट्स क्लब जाने माने खिलाड़ी राहुल इरनवर का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। राहुल, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे अर्जुन द्वारा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यश 11 के लिए हमारे अर्जुन। अर्जुन का लक्ष्य है विकेट, क्या वो विकेट ले पाएंगे इस ओवर में हरिओम 11 के बल्लेबाजों की। और ये एज लग के आता हुआ सिंगल, हरिओम 11 का स्कोर होता हुआ इस सिंगल के बाद 13 रन, केवल 13 ही रन हुए हैं। अगर हरिओम 11 को जीतना है तो बड़े शॉट लगाने होंगे। अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा, रन होता हुआ 14 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, मैं कहूंगा भले ही ये एक्स्ट्राज आया है फिर भी यश 11 बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी, लाइन और लेंथ पे बढ़िया कंट्रोल है इनका, उतनी सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं अर्जुन भानुशाली अपनी टीम के लिए। आखिरी गेंद, बढ़िया शॉट, लेकिन ये फील्डर के हाथों में केवल मिलेगा 1 रन। और 3 ओवर की समाप्ति पे हरिओम 11 का स्कोर होता हुआ 15। तीन ओवर 15 रन, सारे दर्शकों का फार्म स्पोर्ट्स क्लब हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। सारे खिलाड़ी जो यहाँ पे मौजूद है, दर्शक है और उनके टीम मैनेजर कैप्टन, सबका फार्म स्पोर्ट्स क्लब हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। और नए बॉलर आए हैं प्रदीप पदू, चौथी ओवर की पहली गेंद लेकर आएंगे प्रदीप। राज यहाँ पे स्ट्राइकिंग पे, बढ़िया गेंद, सटीक गेंद आगे की ओर रखी, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां जैनिश की डीप में, केवल 1 ही रन आया और स्कोर होता हुआ 16 रन हरिओम 11। एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा, लेकिन केवल 5 गेंदे बचे हैं, 2 या 3 बड़े शॉट लगेंगे तो एक सम्मानजनक टारगेट दे पाएंगे वो यश 11 को, क्योंकि सामने है अर्जुन, विजय, जैनिश, जयू, बड़े बड़े बल्लेबाज उस टीम में। एक और डॉट बॉल, बढ़िया बढ़िया,
बड़ा शॉट और ये कैच हो सकता है। जी हाँ, पकड़ लिया है कैच, बढ़िया कैच वहां पे जयू का, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यश 11 द्वारा। नए बल्लेबाज यहां पे आएंगे हरिओम 11 के, भाई नाम सिद्धार्थ आए हैं नए बैट्समैन, दूसरे सीए सिद्धार्थ। बढ़िया शॉट, लेकिन केवल फिर से एक ही रन मिलेंगे, लेकिन ये दूसरे रन की कोशिश और ये कामयाब भी हुए जरूर। दो रन आसानी से चुरा लिया है यहाँ पर हरिओम 11 के दोनों बल्लेबाजों ने। अठारह रन बना लिए अभी तक हरिओम की टीम ने, चौथी ओवर चल रही है। अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी के लिए जरूर आसानी से आ जाएंगे इस बार, ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएगी। फिर भी दोनों बल्लेबाजों की दाद देनी पड़ेगी कि इतने दौड़कर दो दो रन पूरे कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। आखिरी गेंद और ये यहाँ पे रन आउट का मौका और जरूर मिल जाएगा रन आउट। आखिरी गेंद पर विकेट दे दी यहां पर, इसके साथ टीम का स्कोर हुआ है 2020। चार ओवरों में 21 रन बनाकर यश 11 को ये मुकाबला जीतना है। अभी तक का ये सबसे छोटा स्कोर, सबसे कम स्कोर इस टूर्नामेंट का। भानु ज्योत कप 2024 का अभी तक के मुकाबले जितने भी हुए उसमें ये सबसे कम स्कोर है 20 रन। जी जरूर, इन्होंने ये हालत पिछले मैच में जीबी बॉयज की थी और इस बार यश 11 ने हरिओम 11 की। केवल 20 रन आए हैं बल्लेबाजों से हरिओम 11 के और 21 रन का यहां पे टारगेट सेट किया है। बानो जोत के कैप्टन और कर्मा 11 के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द स्टेज के पास आ जाए। बानो जोत 11 के कैप्टन और कर्मा 11 के कैप्टन। वसंत नंदा तो यहाँ आ चुके हैं, मेहुल भाई से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द स्टेज के पास आ जाए। हार्दिक भाई का मैं तेरे ऑफिस पे देखता हूँ। इक्कीस रन का टारगेट। जिस प्रकार से जीबी बॉयज के सामने दर्शन ने दर्शनीय गेंदबाजी की थी उसी प्रकार से सटीक लाइन और लेंथ के साथ यहां पर गेंदबाजी करनी होगी हरिओम की टीम को अगर ये मुकाबला उन्हें जीतना है तो। यश 11 की ओर से बल्लेबाज आए हैं जयेश भानुशाली और विजय भानुशाली, जयू और विजू की जोड़ी।
जयू और विजू की जोड़ी देखने मिलेगी यहाँ पर यश 11 की ओर से। विजू भाई चिकी बैट्समैन बढ़िया। मौका मिलने पर वो चौका और छग्गा लगा सकते हैं और अच्छी गेंद पर प्लेसमेंट करके मात्र एक रन से स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं। वैसे सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते विजय भाई बद्रा। गेंदबाज का नाम दर्शन। पिछली मैच में पहली ओवर में 6 गेंदों में 4 विकेट ली थी दर्शन ने। अच्छी गेंदबाजी की थी, दर्शनीय प्रदर्शन किया था दर्शन ने। अर्जुन है ही नहीं भाई, कौन है देख। तू इसको नकली लेफ्टी कैसा बोलो समझ में नहीं आया। नहीं बोला नकली, बोला ही नहीं भाई। जितने कमल बॉयज कमल, लेकिन कमल कहते नहीं। न्यू नेम दर्शन की पहली गेंद हरिओम 11 की ओर से और यश 11 से स्ट्राइक लेंगे जयू। पहली गेंद और पहली गेंद पे प्रहार किया है ऑफ साइड पे जयू ने और आता। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग वहां पे फील्डर द्वारा। एक रन बचाया अपनी टीम के लिए, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। ऐसी फील्डिंग करनी होगी टीम को अगर जब आपका टोटल कम हो स्कोर तब। पिछले मैच में 7 गेंदों के बाद बैटिंग आई थी विजू भाई की, इस बार दूसरी गेंद पे आए हैं विजय भानुशाली। पावर प्ले का ये मुकाबला, सॉरी पहली ओवर पावर प्ले की इस मुकाबले की सेकेंड इनिंग की। पहली गेंद में 3 रन लिए, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के कारण फील्डिंग में लगातार बदलाव करते रहना पड़ेगा यहां पर फील्डिंग टीम को। सामना करेंगे विजू भाई दर्शन की अगली गेंद का। ऑफ साइड में फील्डर मौजूद, अच्छा शॉट, अच्छा प्लेसमेंट था। दिशा में मारना चाहते थे लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पे सिड़की। काफी रोमांचक मुकाबला चल रहा है यहां पर हरिओम 11 वर्सेस यस 11 के बीच। एक कड़ा मुकाबला, बढ़िया शॉट आता हुआ, 1 bounce ओवर द रूफ फॉर 4 runs। वंडरफुल शॉट फ्रॉम विजय बद्रा। दर्शन की इस गेंद को विजू भाई ने मात्र दिशा दिखा दी 4 रनों के लिए। बढ़िया टाइमिंग, अच्छा टाइमिंग, अच्छा प्लेसमेंट और इसी के साथ टीम के स्कोर को पहुंचाया 7 रन। फील्डिंग में बदलाव 4 आने के बाद हुआ है, फील्डिंग में बदलाव। क्या ये बदलाव, एक और बढ़िया शॉट कवर्स की दिशा में लेकिन केवल 1 ही रन आया। चतुराई भरे बैट्समैन विजू, पहले एक बड़ा शॉट मारा और उसके बाद फिर वापस से सिंगल लिया। फार्म स्पोर्ट्स क्लब हमारे लड़के किशोर ठक्कर का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। स्कोर हुआ है 8 रन। 8 रन फील्डिंग में लगातार बदलाव। चार गेंदे 8 रन, 5वीं गेंद फेस करेंगे जयू और ये लगा दिया है सिक्सर।
बहुत ही बढ़िया शॉट जयू के बल्ले से आता हुआ ये 6 रनों के लिए और स्कोर पहुंचता हुआ 14 रन्स। 5 गेंद। पहली ओवर में ही यहां पर हरिओम की टीम ने अपनी लुटिया लुटा दी है। 20 में से 14 रन दे दिए हैं, मात्र 6 रन बाकी है ये मुकाबला जीतने के लिए। एक और बढ़िया शॉट और ये लगा 4-1 बाउंस ओवर द रूफ फॉर 4-1 एंड वंडरफुल शॉट फ्रॉम जयू। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेरे पास में जो बैठे हुए स्कोरर, उन्होंने कहा था कि पहली ओवर में ही ये मैच पूरी हो जाएगी। उनकी बात कुछ हद तक सही साबित हुई क्योंकि मात्रा भी सिर्फ औपचारिकता रही है, 2 रन बनाने हैं ये मैच जीतने के लिए। कैन विजय भानुशाली विजू भाई 6। विजू भाई देखना आपको चिकू चिकी करके 1 रन लेके जीता देंगे वो ऐसे प्लेयर। जरूर जरूर मुझे भी यही लगता है, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने एक हेलीकॉप्टर ट्राई किया था और वो कैच आउट हुए थे। नहीं नहीं आप थोड़ा सा समझिए, वन डी का इशारा अंपायर द्वारा, उनका हेलीकॉप्टर 19 हेलीकॉप्टर सही जगह पे लैंड नहीं हो पाया था। जी जरूर जरूर, लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। केवल 1 रन चाहिए जीतने के लिए। बढ़िया कट किया इस शॉट को और जीत चुकी है यश 11 ये गेम। अंपायर क्या 4 रन गए थे अंपायर? केवल 1D। 1 रन बाकी है अंपायर, 1 रन बाकी है जीतने के लिए। 21 बनाना है, 20 रन हुए 1 रन और बाकी है जीतने के लिए। एक और शॉट, बढ़िया शॉट मारना होगा। मेहुल भानुशाली वसंत नंदा से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द स्टेज पे आ जाए। टीम भानु ज्योत के कैप्टन और टीम कर्मा 11 के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द स्टेज के पास आ जाए। और ये बढ़िया शॉट और 1 बाउंस ओवर द रूफ फॉर 4। विजू भाई ने यहाँ पे 4 रन मार के टीम को जिता दिया है मैच। और यश 11 के कैप्टन से भी रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज के पास आ जाए। जयू जी से रिक्वेस्ट है वो स्टेज के पास आ जाए। और मैन ऑफ द मैच है इस मैच के